मैं समझता हूं देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं, सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। स्पीकर सर, हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को, छह लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था, छह चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर छह लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है, हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को छह लोगों ने मारा था, उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में छह लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में छह लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम छह लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी छह लोग कंट्रोल कर रहे हैं। पहला काम इस चक्रव्यूह ने क्या किया, जो हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो करोड़ों युवाओं को रोजगार देते थे, उन पर इस चक्रव्यूह ने आक्रमण किया। कैसे किया? नोटबंदी, जीएसटी और टैक्स टेररिज्म। आप लोग आतंकवाद की बात करते हो, पूरे देश में अगर कोई भी व्यक्ति छोटा बिजनेस चलाता है तो रात को उसको फोन कॉल आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जीएसटी से, और टैक्स टेररिज्म का वो शिकार बन गया। इस टैक्स टेररिज्म को रोकने के लिए बजट में आपने कुछ नहीं किया है। तो टैक्स टेररिज्म के कारण, और ये जो आपकी नीतियां हैं, जो आपने कोविड के समय बड़े बिजनेसेस की मदद की और जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म किया, उसके कारण आज हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। बिल्कुल एक युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है। अब फाइनेंस मिनिस्टर बैठी हैं, अब युवाओं के लिए आपने क्या किया? बजट में आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करी, और यह शायद एक मजाक है, क्योंकि आपने कहा
कि इंटर्नशिप प्रोग्राम सिर्फ हिंदुस्तान की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में होगा और 99% जो हमारे युवा हैं उनको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से कुछ लेना देना नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपने पहले टांग तोड़ दी और उसके ऊपर आप बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन मुद्दा आज युवाओं का एग्जाम पेपर लीक है। जहां भी हम जाते हैं आपने बेरोजगारी का चक्रव्यूह बना दिया इनके लिए, और जहां भी हम जाते हैं वो कहते हैं देखिए बेरोजगारी है मगर पेपर लीक भी होता है। तो आपने एक साइड पेपर लीक चक्रव्यूह, दूसरी साइड बेरोजगारी चक्रव्यूह। पेपर लीक मैं आपको बताता हूं 10 साल में 70 बार हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं 10 साल में 70 बार हुआ है। तो सर तो पेपर लीक के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में एक शब्द नहीं कहा है।